हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको टेनिस की बॉल से एक अच्छी यॉर्कर बॉल कैसे डालनी है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस IPL बैटिंग कर पैसा जीतना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी जाकर बैटविनर ऐप को डाउनलोड करें और फर्स्ट डिपॉजिट पर 2000 तक का एक्स्ट्रा बोनस पाएं। डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से जल्दी जाकर डाउनलोड करें और पैसे अर्न करें। फ्रेंड्स, यॉर्कर बॉल एक बैट्समैन के लिए जितना खेलना मुश्किल है उतना ही बॉलर के लिए डालना। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक यॉर्कर बॉल होती क्या है। यॉर्कर बॉल वो बॉल होती है जो कि एक बैट्समैन के स्टांस से 1 से 1.5 फुट की रेंज में पड़ती है, जिसको बैट्समैन डायरेक्ट मतलब अच्छी तरह से खेल नहीं पाता और उसे कुछ अलग ट्राई करना पड़ता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं कि आपको यॉर्कर बॉल डालते वक्त ग्रिप पोजिशन कैसी रखनी है, आपकी ग्रिप पोजिशन कैसी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपकी ग्रिप पोजीशन कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि आपकी जैसे टेनिस बॉल है तो आपकी ऊपर की जो दो उंगलियां हैं इसके बीच आपको गैप थोड़ा कम करना है। आपको गैप कम करके आपको उसके नीचे अंगूठा ऐसे और आपके ये बीच का जो गैप है आप इसको इसमें आपको बॉल ऐसे चिपकानी नहीं है, आपको थोड़ा गैप रखना है ऐसे, जिससे कि आपको बॉल के ऊपर कंट्रोल अच्छा हो। तो फ्रेंड्स, आप ग्रिप पोजीशन के बाद जब भी आप बॉल रिलीज़ करने जाएं तो आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि आप जब बॉल रिलीज़ करें तो आपका हाथ जो है ये हेड के थोड़ा करीब होना चाहिए। जब भी आप ये बॉल रिलीज़ करें तो इसका बीच का गैप आपको हमेशा कम रखना है। प्लस जब आप बॉल रिलीज़ करने जाएं तो आपको बॉल जब रिलीज़ करनी है तब बॉल आपको ऊपर से करनी है, यहाँ से ऊपर से आपको ज़्यादा आगे नहीं आना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो बॉल का ठप्पा थोड़ा छोटा पड़ जाएगा और बॉल एक अच्छी ओवर नहीं पड़ पाएगी, इसलिए आपको बॉल जब भी रिलीज़ करनी है बॉल ऊपर से करनी है रिलीज़। फ्रेंड्स, यॉर्कर बॉल के रनअप में आपको इसके रनअप पे थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि इसका रनअप और बॉलिंग के मुकाबले अलग है। इसके रनअप में आपको हमेशा बैट्समैन को लास्ट टाइम तक देखते रहना है कि बैट्समैन अपना स्टांस चेंज ना करे या फिर इधर उधर मूव ना करे, तो आपको उसके हिसाब से बॉल डालनी है और आपको कभी भी अपनी लाइन से नहीं भटकना। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।